हाय फ्रेंड्स, आज है पुरुषोत्तम मास का छठवां दिन। आज हम बनाएंगे पूरन के धोंडे और आज ऊन के कपड़ों का बहुत महत्व है तो वो भी दान कर सकते हैं। ये पूरन के धोंडे कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। जैसे हम गेहूं का रोज हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी टाइप से, बस थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल डाल के हम उसका आटा लगा लेंगे। उसको गूंद लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल को और नमक को, और उसमें पानी डाल के अच्छे से इसका रोज़ रोटी को जैसे घोल बनाते हैं रोटी का, उसे थोड़ा सा कड़क घोल हम उसका बना लेंगे। अब हम इसके 33 छोटे छोटे बॉल रेडी कर लेंगे। जैसे हम छोटी छोटी पूरी बनाते हैं उस टाइप से छोटे छोटे बॉल, या मोदक बनाते हैं वैसे। और पूरन बनाना है, पूरन जो है उसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, शक्कर वाला और गुड़ वाला पूरन दोनों। तो आप जो भी बनाना चाहो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। उसके बाद हमको उसकी भी छोटी छोटी गोली बना लेनी है 33, और ये इसके अंदर ऐसे डाल के इसके मोदक के जैसे धोंडे बोलते हैं इसको। ये गाय को खिलाने का बहुत बड़ा महत्व रहता है अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। और इस तरीके से हम देखिए इसे दबाएंगे हाथों से ही, और इसके अंदर ये गोली डाल के आप इसको तल के बामन को भी दे सकते हैं, पर अभी आज हम गाय को खिलाएंगे इसको। हम क्या करेंगे, ये हमारे 33 धोंडे रेडी है। अब हम इसको गर्म पानी लेंगे बहुत सारा, उसको अच्छे से उकाल लेंगे पानी को, और उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, और ये सारे जो हमने अभी बनाए थे धोंडे वो एक एक करके इसके अंदर डाल लेंगे। उनको अभी कैसे सारे धोंडे नीचे बैठ रहे हैं कि जैसे ये पक जाएंगे तो ये ऊपर उछलने लगेंगे, जैसे हमारे चावल जैसे नीचे बैठ जाते हैं और फिर बाद में जैसे पक जाते उछलने लगते हैं, वैसे ये भी। तो 5 से 7 मिनट इसको हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाया, तो ये देखिए अभी हमारे ये धोंडे पककर तैयार है। तो इसको निकाल लेंगे और हम इसका आज गाय को दान करेंगे। दक्षिणा रखकर और ऊन का कपड़ा दान करना है आपको, स्वेटर, शॉल, टोपी, मफलर, जो भी बामन को पैसे रखकर ये दोनों चीज़ों का आज हम दान करेंगे। तो अधिक मास के इसमें आज के लिए ये पूरन के ढोंडे, ये पूरा महीना भर के आप गाय को कभी भी खिला सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।